महीने ही यानवा सिनवार की लोकेशन को ट्रेस कर लिया था और आईडीएफ के मुताबिक जो है एक टिश्यू पेपर से सिनवार की लोकेशन मिली। पिछले महीने राफा के तेल सुल्तान में एक सुरंग के पास एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा मिला था जिसका डीएनए टेस्ट किया गया तो उस पर यानवा सिनवार का डीएनए मिला, यानी वो टिश्यू पेपर यानवा सिनवार के इस्तेमाल करके जो है फेंका था और जिससे आईडीएफ को पता चला कि सिनवार राफा में ही है और फिर राफा में उसकी तलाशी तेज कर दी गई। ये वही जगह था जहां 6 इजरायली बंधकों को हमास ने मौत के घाट उतार दिया था। IDF operations in Khan Yunis forced Sinwar to flee to Rafah. Last month, Sinwar's DNA was found on a piece of tissue he used. A few hundred meters from a tunnel where 6 Israeli hostages were brutally executed in Tel Sultan in Rafah. Then Sinwar fled yet again. और इजरायली सेना ने जो ये सुरंग से भागते हुए यानवा सिनवार और उसकी पत्नी का वीडियो जारी किया है उसमें सिनवार की पत्नी के हाथ में एक बैग दिख रहा है। काले रंग के इस बैग पर इजरायली सेना ने दावा किया है कि ये बैग 32,000 अमेरिकी डॉलर की कीमत का है। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल अचीवा एड्रे ने यह दावा किया कि सिनवार की पत्नी के हाथ में जो बैग था वो हर्मीस बिक्रीन हैंडबैग है और इसकी मार्केट में जो कीमत है $32,000 है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही हैं क्योंकि गाजा पट्टी में रह रहे लोगों के हालात बहुत ही बुरे और वहां पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से लोगों की जरूरतें पूरी की जाती रही हैं और इस बीच में हमास जो खुद को फिलिस्तीनी आंदोलन का एक संगठन बताता है उसके नेता की पत्नी के पास इतना महंगा बैग $32,000 का बैग यानी भारतीय रुपयों में करीब 27 लाख रुपए की कीमत का ये बैग बताया जा रहा है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।